हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को हम समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो आने वाला समय है 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर, तो ये समय आपके लिए कैसा रहेगा चंद्रमा के हिसाब से। मात्र हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की, ना कि अन्य ग्रहों की। तो चंद्रमा इस समय जो चंद्रमा की स्थिति बनने वाली वो थोड़ी भारी है, तो इसको समझना होगा, है ना। और चंद्रमा का जो ये परिवर्तन है 16 सितंबर को कुंभ राशि में होने जा रहा है, जहां पर सनदेव पहले से विराजमान है, सुबह ही 5 बजे हो जाएगा, 5:00 में होने वाला है, परंतु हम 5 बजे पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि हर एक प्रदेश में समय का थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो 5 बजे सुबह से ही 16 तारीख को चंद्रमा कुंभ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 20 योग का निर्माण हो जाएगा, चंद्रमा और शनि एक साथ होंगे, तो 16, 17 और फिर 18 को सुबह ना परिवर्तन होगा चंद्रमा का, और मीन राशि में जाएंगे जहां पर राहु विराजमान है पहले से, तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ग्रहण योग का निर्माण होना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, और इसलिए भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखा जाए तो चंद्रमा कन्या वालों के लिए आय भाव के अधिपति होते हुए आपको सष्टम और दाम्पत्य भाव में गोचर करेंगे, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, पर एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये 16 से लेके 19 तारीख यानी कि 20 तारीख की सुबह 6 बजे तक आप पकड़ के चलिए, 5:00 में है तो 6 बजे सुबह पकड़ के चलिए, इसलिए मैंने 19 तारीख लिखी, क्योंकि रात्रि में 12 बजे के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका कोई काम हो रहा होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा समय का। और यहाँ पर एक चीज और भी कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते इस बात से कि जैसे 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हुआ, फिर और भी अन्य ग्रहों का इससे पहले या इसके बाद में होगा, तो लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि एक वीडियो में हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा बताया जा रहा पर दूसरी वीडियो में बड़ी समस्याएं बताई जा रही, क्योंकि प्रिय दर्शकों हरेक ग्रह अपना अपना प्रभाव देता है, हरेक ग्रह अलग अलग स्थितियों में गोचर कर रहे होते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव, कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है तो कोई ग्रह बुरा, इसीलिए मासिक राशिफल में समझना आवश्यक होता है, और हमें कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें हमें पर्सनल जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें हम सभी को एक साथ समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि चंद्रमा 16-17 को क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहां पर स्थितियां ये बनने वाली हैं कि आप कुछ भी हो जाए, सामने वाला दो शब्द कह भी दिया, आपको शांति बनाए रखनी, क्योंकि इस समय बात भी आपकी स्थिति बनने वाली है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े आपके शत्रु बनने वाले हैं, तो शत्रुओं से जितना दूर रहें, शत्रुता से बात विवाद से जितना दूर रहें उतना ही बढ़िया है, है ना। और कर्ज बिल्कुल भी लेना नहीं है ना तो देना है, क्योंकि कर्ज लेने देने की स्थिति में कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। अब हो सकता है जैसे आप कहें कि भाई हम कर्ज यदि लेना है तो एक बार समझा जाए कि फंसेंगे, पर कर्ज देना है तो कहाँ फंसना है, आपने पैसा दे दिया, सामने वाले ने कहा कि भाई दिए ही नहीं, तब क्या करोगे, ये कुछ भी स्थितियाँ हो सकती हैं, या आपने पैसा दे दिया आपको जरूरत पड़ गई अब कहाँ मिलेगा, तो कुछ भी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, इसलिए पैसे के देन लेन से बिल्कुल भी आपको दूर रहना है। और साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, हो सकता है कि सर्दी जुकाम हो जाए, उसकी वजह से और कोई दूसरी बीमारी बन जाए, है ना, हृदय से संबंधित स्थितियाँ, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने खान पान में संयम रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है, बाकी प्रभु के हाथ में है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर भी बहुत जरूरी है कि सावधानी रखें, बल्कि डेट आगे यदि हो सके तो उसको कर देना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोई यात्रा कर रहे हैं, खासकर लंबी यात्रा कर रहे हैं यदि, तो लंबी यात्रा करते समय सावधानी, और जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं या विदेश से जुड़ा हुआ आपका व्यापार हो, जॉब हो, यहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं थोड़ी देखने को मिल सकती हैं, नींद से संबंधित समस्याएं इस समय देखने को मिल सकती हैं, अचानक बेचैनी, अचानक कोई मन में भय स्थिति बन सकती है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और आपके 18 और 19 तारीख को सुबह 20 तारीख तक स्थितियाँ ये रहेंगी,
तो यहाँ पर आपको, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अपने सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापारियों को थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और दाम्पत्य जीवन में खासकर मैरिज लाइफ में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि मैरिज लाइफ में इस समय भ्रम की स्थिति, ऐसी बातों को लेकर वाद विवाद, ऐसी बातों को लेकर कलह होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिनका कोई मतलब नहीं, बाद में पछतावा होने वाला है। साथ में यहाँ पर जो लोग खासकर पार्टनरशिप में व्यापार करते, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं, जो अभी मैंने दाम्पत्य जीवन के लिए बताया, मैरिज लाइफ के लिए, कि ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं, उन बातों को लेके बात ब्याद होगा, और फिर बाद में लगेगा कि यार ये तो ऐसा कुछ था नहीं, और इस समय मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। इस समय आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, विपरीत का सम्मान करना चाहिए। कोई निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय संभावनाएं ये रहेंगी कि आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले तो लग रहा कि हाँ ऐसा करना ठीक है, परंतु बाद में पता चला कि हमें विपरीत स्थितियां बनती हुई दिखाई दी, यानी कि हम अच्छा सोच रहे थे कि अच्छा होने वाला है, पर कुछ गड़बड़ हुआ, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और आय में बाधाएं आने वाली हैं, या तो आय आने में कोई रुकावटें होना, या तो आय का यानी पैसे का व्यय होना, तो इसलिए पैसे का बड़ा ध्यान रखना होगा कि पैसे में आने में कोई रुकावट ना होने पाए और व्यय ना होने पाए। तो इसलिए बहुत ध्यान के साथ कोई काम कर रहे हैं, कोई शुरुआत कर रहे हैं, उसमें पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि इस समय हो सकता है कि कोई काम आप पहले से कर रहे हो, उसमें कोई रुकावट आ जाए अचानक, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा और इसके बाद निर्णय लीजिएगा। अपनी दिनचर्या को बेहतर करने की कोशिश करिए रात्रि में जितना जल्दी रात्रि में सो सकें और सुबह उठ सकें जितना जल्दी, तो जितना जल्दी सोएंगे जितना जल्दी उठेंगे उतना ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जीवन में दिनचर्या को बेहतर करना बहुत कारगर होता है और बहुत सारी स्थितियों को संभाला जा सकता है। ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।